हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स शाला में। गाइज, आज हम बात कर रहे हैं आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में, किस तरीके से आईसीसी शुरू हुआ, कैसे कैसे इसमें मेंबर्स ऐड होते गए और अब जो है ये क्या काम करता है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फटाफट से शुरू करते हैं। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटी है उसको बजा लीजिए और स्पोर्ट्स शाला की एक और वीडियो का मजा लीजिए। गाइस, आपको पता है कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट की एक गवर्निंग बॉडी है, कंट्रोल करती है क्रिकेट के ऊपर, जिसकी शुरुआत हुई 15 जून 1909 को लंदन के लॉर्ड्स में। जब इसकी शुरुआत हुई तो इसमें सिर्फ 3 मेंबर्स थे, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। और कंडीशन ये भी थी कि जो कंट्रीज़ हैं वो कॉमनवेल्थ होनी चाहिए, यानी कि सारी कंट्रीज़ ब्रिटिश एम्पायर के, ब्रिटिश रूल के अंडर आनी चाहिए। तो ये कंडीशन काफ़ी बाद तक भी फॉलो होती रही थी। और 1926 में जो है 3 और कंट्रीज़ इसमें ऐड की गई, जो कि थी इंडिया, वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड। तो टोटल जो क्रिकेट खेलने वाली कंट्रीज़ थी वो अब हो गई 3 से बढ़कर 6। दोस्तों, शुरुआत में इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस यानी कि आईसीसी ही था, बाद में जो है नाम चेंज होकर के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गया धीरे धीरे। गाइज, 1947 में पाकिस्तान बना और 1952 में पाकिस्तान भी आईसीसी का मेंबर बन गया और 7वां देश बन गया, 7th कंट्री बन गया इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाला, टेस्ट मैचेस खेलने वाला। इसके बाद में 1961 में 1961 में जो अफ्रीका था वो कॉमनवेल्थ से बाहर हो गया और इसी वजह से उसे भी बाहर कर दिया गया आईसीसी से, क्योंकि उस वक्त रूल्स ही ऐसे थे कि सिर्फ कॉमनवेल्थ कंट्रीज ही आईसीसी का मेंबर हो सकती है। तो अब जो है क्रिकेट खेलने वाली कंट्रीज एक बार फिर से 6 ही बच गई। इसके बाद में रूल्स में और चेंजेस हुए और 1965 में जो ये रूल था कि सारी कंट्रीज कॉमनवेल्थ होनी चाहिए वो हटा दिया गया और अब जो है बाकी कंट्रीज भी इसमें आ सकती थी। दोस्तों, 1981 में श्रीलंका जो है वो भी इसके अंदर जुड़ गया और 7th कंट्री बन गया इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाला। दोस्तों, बाद में जो है अफ्रीका एक बार फिर से आ गया 1991 में और फिर से जो है खेलने वाली कंट्रीज 8 हो गई। और इसके बाद में भी जो है 4 और कंट्रीज, जिसमें कि बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान, टोटल मिलाकर के 12 कंट्रीज हो गई। तो कुल मिलाकर के इस वक्त आईसीसी के अंदर 12 परमानेंट मेंबर्स हैं, 12 परमानेंट मेंबर्स हैं, फुल मेंबर्स हैं और 92 एसोसिएट मेंबर्स हैं। तो इस तरीके से आईसीसी के टोटल मेंबर्स हो जाते हैं 104। गाइस, अब बात आती है कि आईसीसी क्या काम करती है, आईसीसी के फंक्शंस क्या हैं। तो आईसीसी का जो सबसे बड़ा काम है वो है जो इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें कि सबसे मेन है वर्ल्ड कप, वो ऑर्गेनाइज करवाना। ये जो है आईसीसी का काम है। वनडे वर्ल्ड कप होता है, T20 वर्ल्ड कप होता है, ये सभी जो है आईसीसी ऑर्गेनाइज करवाती है। दूसरा काम आईसीसी का सबसे बड़ा है कि जो एम्पायर्स होते हैं, जो मैच रेफरी होते हैं क्रिकेट में, 2 तो ग्राउंड एम्पायर्स होते हैं, 3rd एम्पायर होते हैं, तो ये सभी जो है अपॉइंट करता है आईसीसी, ताकि कोई गड़बड़ी की, कोई घपले होने की जो है गुंजाइश ना रहे। और आईसीसी का ही काम है ये भी। तीसरा काम है आईसीसी का, जो क्रिकेट में गड़बड़ी हो जाती है, जैसे कि मैच फिक्सिंग, जो खिलाड़ी ड्रग्स लेने लग गए या ऐसी कोई भी चीज़ हो, कोई करप्शन हो, उसका ध्यान रखना, उसको कंट्रोल करना, ये भी जो है आईसीसी का ही काम है। दोस्तों, हमें लगता है कि आईसीसी क्रिकेट के रूल्स भी बनाती है, लेकिन क्रिकेट के रूल्स जो है वो आईसीसी बिल्कुल नहीं बनाती। रूल्स बनाने का और रूल्स को मॉडिफाई करने का काम है एमसीसी का, आईसीसी ये वाला काम नहीं करती। हालांकि बोलने के लिए हम कह देते हैं कि ये रूल आईसीसी ने बनाया है, नया रूल बना, पुराना रूल बना, तो वो चीज़ एक अलग बात है, लेकिन रूल्स आईसीसी नहीं बनाती। गवर्न करती है, सारी चीज़ों को देखती है, ध्यान रखती है, लेकिन नए नियम नहीं बनाती। और साथ ही साथ में जो डोमेस्टिक क्रिकेट होता है उसके ऊपर भी आईसीसी का कंट्रोल नहीं होता। उसके ऊपर अपने डोमेस्टिक बोर्ड जैसे कि बीसीसीआई, पीसीबी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इन्हीं सभी का कंट्रोल होता है। इसके अलावा जो है आईसीसी कुछ और टूर्नामेंट्स भी लेकर आई थी, क्योंकि आईसीसी के पास में इनकम का कोई ज़्यादा सोर्स नहीं था वर्ल्ड कप्स के अलावा, जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी सुपर सीरीज़, लेकिन ये जो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो इस तरीके से जो है आईसीसी की हिस्ट्री ज्योग्राफी काम करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में आईसीसी के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल स्पोर्ट्स शाला को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और भी अच्छी अच्छी स्पोर्ट्स रिलेटेड, क्रिकेट रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।